दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कुछ न कुछ करती ही रहती है। इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बीते साल देशभक्ति करिकुलम की शुरुआत की थी, जिसके एक साल पूरे होने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति करिकुलम के भविष्य की ब्लूप्रिंट को लेकर कोर डेवलपमेंट टीम के साथ समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक के दौरान सिसोदिया ने कहा कि देशभक्ति करिकुलम का पूरा मकसद हमारे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को उनके भारतीय होने पर गर्व करवाना है। हर बच्चे में ये सोच विकसित करनी है कि वो अपने आसपास कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, और अगर खुद भी कुछ गलत करे तो उनके मन में ये भाव आए कि एक भारतीय होकर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि हर बच्चा अपने देश का मान सम्मान को लेकर आत्मविश्वास में जिए और एक कट्टर देशभक्त नागरिक बने। वह देश की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार रहे और समस्याओं का सामना करे और उनका समाधान ढूंढे। मुझे खुशी है कि पाठ्यक्रम की मदद से बच्चों में ये बदलाव आना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के सभी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के 18 लाख से ज्यादा बच्चे देशभक्ति करिकुलम पढ़ रहे हैं। नर्सरी से 12वीं तक का पाठ्यक्रम रोल आउट हो चुका है। पाठ्यक्रम के लिए अब तक 2000 से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग मिल चुकी है। शिक्षा विभाग द्वारा करिकुलम के लिए 36,000 शिक्षक डेजिग्नेटेड किए गए हैं, तो वहीं अब इसके एक साल पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग इस करिकुलम की आगे की योजना तैयार कर रहा है, जिसमें ग्रेड 6 से 12 तक के लिए नया टीचर्स मैनुअल तैयार करना, देशभक्ति करिकुलम से जुड़े शिक्षकों की ट्रेनिंग, स्कूल प्रमुखों की ओरिएंटेशन, मेंटर टीचर्स की ट्रेनिंग, अगले कुछ समय में 10,000 से ज्यादा शिक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, कोर टीम और मास्टर ट्रेनर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, करिकुलम के बेहतर क्रियान्वयन और इम्पैक्ट स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार के स्कूलों में लागू ये देशभक्ति पाठ्यक्रम है क्या। केजरीवाल सरकार के मुताबिक ये खुद में अनोखा पाठ्यक्रम है जो किताबों और परीक्षाओं की सीमा से बाहर है। ये पूरा पाठ्यक्रम विद्यार्थी की सोच, समझ और मानसिकता के आधार पर डिजाइन किया गया है, जहां वो लोगों से बात करके, अपने दोस्तों से बात करके, खुद के अंदर झांक कर इस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि देशभक्ति क्या है, देश उनके जीवन में क्या मायने रखता है। ये पाठ्यक्रम देशभक्ति को चुनिंदा भाषाओं तक सीमित नहीं रखता, इसलिए इस पाठ्यक्रम को सीखने के लिए कोई निश्चित सामग्री या नियम नहीं है, बल्कि इसमें बच्चे अपने घर, स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकल अपने अनुभवों, वास्तविक जीवन की घटनाओं के आधार पर खुद के लिए देशभक्ति का मतलब जानने का प्रयास करते हैं। ये पाठ्यक्रम बच्चों को देशभक्ति के साथ साथ खुद को जानने का मौका भी देता है, क्योंकि पाठ्यक्रम आत्मचिंतन को बढ़ावा देता है। पाठ्यक्रम की खास बात यह है कि बच्चों की देशभक्ति की समझ को सही या गलत में नहीं बांटता है, बल्कि उन्हें ऐसा वातावरण देता है जिसमें बच्चे खुद की समझ के आधार पर सही या गलत में अंतर जान सके। तो कुल मिलाकर देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस देशभक्ति करिकुलम को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।